करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अप्रैल 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्मा। शुभ नव वर्ष टू एवरीवन। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया हुआ है आपका 106.01 फ्रॉम 8 अप्रैल टू 12 अप्रैल में काफी भारी भरकम एक्टिविटीज हुआ है, स्पेशली आपका यूएस सीपीआई डेटा जहां जिसके बाद डॉलर इंडेक्स में काफी उछाल देखा गया ऊपर की तरफ, देन एफएमसी मिनट्स, देन ईसीबी रेट डिसीजंस, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स का जो वीकली मूवमेंट है वो है आपका फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ योर 103.88, it moved higher towards 106.10 and closed there at 106.01. That being the case, what next? What next के लिए अभी जो हमारा next resistance zone है वो है आपका 107.20 से 107.40. इवेंट जो चल रहा है इजराइल एंड ईरान के बीच का जो टेंशन है, कल न्यूज में देख रहे थे कि ओवरनाइट में ईरान ने काफी मिसाइल्स अटैक किया है। अभी हमें देखना है हाउ इजराइल इज रेस्पॉन्ड, पहला हाउ यूएन इज रिएक्टिंग एंड आल्सो द वेस्ट क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर देखा जाएगा कि ये फर्दर एग्जेजरेट करते हैं या यहीं पे ये खत्म हो जाते हैं। अगर एग्जेजरेट करते हैं तो रियली इट मैटर्स अ लॉट, सो उसके कारण हमारा गोल्ड प्राइसेस में एंड अदर क्रूड प्राइसेस में बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। सो डॉलर इंडेक्स जो वीकली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, व्हाट इट सिग्निफाइज मींस यहां पे मींस एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि बाय डिप्स का चल रहा है। बाय डिप्स के लिए कैसे चल रहा है, हमें अगर 4 आवर्सली में जाएंगे तो 4 आवर्सली में मंडे ऑनवर्ड्स एक नेगेटिव कैंडल चाहिए एंड उस नेगेटिव कैंडल इवन आपका इसके हाई के ऊपर रिसेंट जो आपका फ्राइडे का ये जो 4 आवर्ली कैंडल है इसका हाई, दैट मींस 106. बेसिकली 10 के ऊपर एक बाइंग मोमेंटम्स पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में बहुत आपका डैमेज हुआ है, ये पिछले 3 महीने का लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंट्रा वीक हाई था आपका 1.2709 एंड लो इज 1.2426 करेंटली एंड क्लोज एट 1.2445। सो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ के 4 के नीचे चला आया है। अभी ये जो तोड़ फोड़ किया हुआ है अभी देखना है ये जो ब्रेकडाउन है इज इट ए रियल ब्रेकडाउन और ए फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर ये रियल ब्रेकडाउन होते हैं देन जीबीपी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.50 से 1.200 की तरफ। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होते, फॉल्स ब्रेकडाउन का मतलब नीचे आया फिर मामू बना के ऊपर चला गया, इन सच ए केस हमें देखना पड़ेगा क्या होगा, उसके बारे में हम एनालिसिस बाद में करेंगे। इन केस मंडे ऑनवर्ड्स ये दोबारा ऊपर की तरफ ये जो सपोर्ट जोन था इसके ऊपर जाके दोबारा क्लोज दे दे विद पॉजिटिव कैंडल्स वीकली क्लोजिंग्स, सो अगर देते हैं देन आवर एनालिसिस विल बी डिफरेंट वन, वी विल कम बैक विद फ्रेश एनालिसिस। अगर ऐसा फॉल्स ब्रेकडाउन का कोई इंडिकेशंस नहीं है इन सच ए केस जीबीपी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2150 से 1.2200, ये हो गया आपका जीबीपी डॉलर में। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीपीपी आईएनआर भी सिमिलरली जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज दिया हुआ है, मींस इट क्लोज्ड 103.97। दैट बीइंग द केस यहां पर भी सिमिलर एनालिसिस, दो एनालिसिस है हमारा। पहला बात है जितना ये जोन का लेंथ है उतना लेंथ का नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है ये आपका नीचे की तरफ 101.50 का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया एक। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता है यानी नीचे की तरफ आया थोड़ा टाइम पास करके दोबारा नीचे फिर दोबारा ये सपोर्ट जोन के ऊपर जाके क्लोज दे देता है, इन सच केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन। इन सच केस उसका कैलकुलेशन अलग होगा व्हिच आई विल बी कमिंग आउट इन केस वी फाइंड दैट दिस वीकली ब्रेकडाउन इज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। दैट बीइंग द केस अभी हमारा जो टारगेट है कंसीडरिंग दिस एज द रियल ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड, इन सच ए केस जीबीपी आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स 101.50। नाउ कम्स यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में भी अच्छा खासा वीकनेस हम यहाँ पे देखे हैं। ये पिछले हफ्ते का जो हाई था वो था आपका 1.0885 एंड लो ऑफ 1.0622 एंड क्लोज देयर ऑलमोस्ट देयर एट द लो
एट 1.0638। यहाँ पर भी सिमिलर एनालिसिस, जो सपोर्ट एरिया था कौन सा था, 1.07 से 1.0750 का एक सपोर्ट लेवल था, उसको तोड़ के 4 के नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है। इफ इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग क्लोज इन सच ए केस, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो है आपका यूरो डॉलर में 1.0400 से 1.0450 का, ये एक टारगेट है वीकली परसेंट। यहाँ पर भी हमें देखना क्या ये दोबारा मींस फॉल्स ब्रेकडाउन ना हो जाए, उसका कैलकुलेशन अलग होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो विल कम आउट विद अ फ्रेश प्रेजेंटेशंस। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है अगर ये कंटिन्यू करते हैं ऑन द लोअर साइड, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं फर्दर, इन सच केस यूरो डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.04 1.0450 यूरो एंड सेम एनालिसिस। बट ये जो सपोर्ट जोन है अभी तक उसके नीचे ब्रेक डाउन कर नहीं पाया, अभी भी सपोर्ट जोन का लोअर एंड में आके रुका हुआ है। दैट मीन द केस वी नीड टू सी वेदर इट इज ब्रेकिंग द सपोर्ट जोन एंड मूविंग डाउन। इन सच केस अगर इट इज continuing in the downward trend, in such a case what we can expect, a target of your 86.50 se 86.70 ke taraf, ye ho gaya euro INR ka weekly target. In case it is considered as a false breakdown, I will come out with a fresh video. Dollar yen mein jo humne repeatedly aapko yaad hoga, hum yahan pe consolidation pe aapka ये जोन पे, यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली ये डर रहे थे क्योंकि 152 का मींस 151.96 जो 32 इयर्स का हाई था वहां पे टाइम पास कर रहा था। रेजिस्टेंस अगर उसको रेस्पेक्ट करना होता है तो शार्प डिक्लाइन आ जाते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट हियर। लेकिन यहाँ पे टाइम पास करने का मतलब इट इज गैदरिंग द मोमेंटम टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस जोन, एंड वही हुआ है। एंड ब्रेक अबव करके ये 153.31 तक चला गया, क्लोज्ड एट 153.21। सो यहाँ पे जो ये ब्रेक डाउन किया है, इन सच ए केस इन कमिंग मंथ्स डॉलर ईएन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड टुवर्ड्स 164 विद एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? ये जो ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड, ऐसा दोबारा ये दोबारा मीन्स नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना दे, मामू बना ना दे. That is what I want to mean. So, in case it is a false breakdown, then again, there are higher possibilities. Dollar yen may quickly move towards 146.50 and 141.00. But if it is a real breakout on the higher side, in such a case, dollar yen आने वाले महीनों में, it is going to trade towards 164, जो हमारा previous काफी दिनों का हमने यहाँ पे फोकस कर रहे थे। दैट येन आईएनआर पे ये सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है एंड इट इज मूविंग डाउन। अभी मूविंग डाउन में यहाँ पर भी अगर जीबीए डॉलर येन 164 के तरफ जाते हैं, इन सच केस येन आईएनआर कहाँ तक जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये इट मे मूव टुवर्ड्स 50.50 यानी कोई अगर जापान घूमने जाए तो ये लेवल पे आएगा, तो आप जापान घूमने के लिए जो आपका एक्सचेंज रेट काफी कम देना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन है, इफ इट इज अ रियल ब्रेक डाउन देन इन कमिंग मंथ्स इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 50.5050 की तरफ, 0.50 से 0.5000 से 0.5050 की तरफ। अभी अगर ये फॉल्स ब्रेक डाउन होते हैं, इन सच ए केस द कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मूव होते हैं, देन आई विल कम आउट विद अ फ्रेश वीडियो। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में जो आपका रेजिस्टेंस जोन था 1.36640 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेक आउट एकदम कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ क्लोज दिया हुआ है। इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.3787 एंड क्लोज्ड देयर एट 1.3768। So what next? ये momentum continue होना चाहिए towards 1.39 1.3950 और $0.6459 ये जो है आपका जो एक consolidation zone था, एक zone था, उसके नीचे आके close दिया हुआ है। Now again two questions. One question, क्या ये नीचे की तरफ continue करेगा या क्या ये false breakdown का बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाते हैं so कहाँ तक जाएगा, इसका एक कैलकुलेशन, वेरी इजी कैलकुलेशन, नथिंग
रॉकेट साइंस, इट्स द सिंपलेस्ट वन, सो 0.63 के तरफ इट मे बी हेडिंग टुवर्ड्स. सो इन केस इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, देन ऑसिलेटर इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.63. CNH में आपका जो प्रेशर है 7.2645, यहाँ पे कंसर्न मेन कंसर्न है 7.2950 का ये रेजिस्टेंस. ये अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं इन सच केस, CNH में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन सच केस डॉलर रुपी में बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकते हैं. एंड देन ब्रेंट क्रूड में कल के दिन में ये क्लोज दिया है 90.45 पे. बेसिकली एक्चुअली फ्राइडे को ये कच्चा हायर टच किया था 92.35, बट अर्ली यूएस मार्केट में लेटर यूएस मार्केट में ये थोड़ा सा पुल बैक किया है, लेकिन डाउनवर्ड्स फिर दोबारा गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन से, बिकॉज ईरान ने ऑलरेडी स्ट्राइक करना चालू कर दिया इसराइल के अगेंस्ट में. सो व्हाट नेक्स्ट में अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 93.50 का. इसको भी तोड़ता है तो 98 का एक टारगेट बन सकते हैं. नेक्स्ट इज योर यूएस टेन ईयर ट्रेजरी वीकली में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ 4.52 के साथ क्लोज दिया हुआ है. ये ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ के स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, दैट बीइंग द केस आने वाले दिनों में 10 ईयर ट्रेजरी is heading higher. But यहाँ पे एक कौन सा नहीं, ये ट्रेंड लाइन, ये जो लाल वाला ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था, ये अभी रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं. इसको अगर ऊपर जाना है टुवर्ड्स 4.5.00, देन इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा. क्या ये रेजिस्टेंस लेता है? मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस लेना चाहिए. आई पर्सनली लग रहा है, लेकिन लगने से होगा नहीं, कन्फर्मेशन चाहिए. क्या प्राइस वहां पे कंफर्म करते हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा. यहाँ पे उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ. ये जो फिब रिट्रेसमेंट्स एक है प्लस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में, सो इसको इजीली ब्रेक नहीं करना चाहिए. अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स यूएस 10 ईयर ट्रेजरी इज हेडिंग टुवर्ड्स 5.00. US two year treasury भी resistance को तोड़ के strong close के साथ यहाँ पे closing हमको मिला है, and ऊपर का जो resistance है उसके नजदीक भी आके टच करके गया है. 4.08 का resistance है, ये traded high of 5.108 का resistance है, ये 5.01 तक जाके आया हुआ है. So what next में ये 5.10810 ये एक resistance zone हो सकता है. अभी आते हैं डॉलर रुपी पे. डॉलर रुपी पे अभी हमें क्या क्या देखना है. पहला है इनविजिबल हैंड्स का कॉन्विक्शन, क्या ये इस रेजिस्टेंस 8350-8370 को प्रोटेक्ट करेगा. सेकंड इज सीएनएच का आपका ये 7.29 के ऊपर बहुत पागलपंती एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड डॉलर रुपी में भी अकॉर्डिंगली प्रेशर आ सकता है. डॉलर रुपी का भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है. क्रूड ऑयल ऊपर जाने के लिए ऑलरेडी काफी 90 प्लस, तो अगर ये 93 जाएगा या 98 जाएगा तो काफी प्रेशर से आएगी. हमें और भी देखना है नेक्स्ट एडिशन क्या है आपका. इसराइल एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको फर्दर एस्केलेट करते हैं या नहीं. सो मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे ये इट इज गोइंग टू बी ए टफ चैलेंज फॉर द इनविजिबल हैंड्स टू डिफेंड रुपी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस. तो हमें ये देखना है कि 8370 को तोड़ के ऊपर जाते हैं या यहाँ पे डिफेंड करते हैं इस लेवल को. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए मैं आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.